Once you click the online claim option, this option will be open up. यहाँ आपके पास काफ़ी सारे डिटेल रहेंगे लाइक एम्प्लॉय नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पेन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर इज ब्लैंक, यू हैव टू फिल इट, देन IFSC कोड, ब्रांच नेम एंड मेंबर ID एंड योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. आप सो वंस यू विल कम हियर, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप करना है. आपका बैंक अकाउंट नंबर जो इस IFSC कोड में होगा और इस ब्रांच में होगा, उस बैंक के अकाउंट को यहाँ पर फिलअप करने के बाद इस बटन को क्लिक करना है जो कि वेरीफाई बोल रहा है. जैसे ही हम लोग वेरीफाई को क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपका अभी येलो कलर का सिंबल दिखा रहा है, यहाँ पर राइट ग्रीन एरो सिंबल दिखाना चालू हो जाएगा. सो आई विल फिल अप द अकाउंट नंबर हियर. तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने अकाउंट नंबर को फिलअप किया, वेरीफाई बटन को क्लिक किया, उसके बाद एक पॉपअप विंडो आया था, उसमें मैंने यस किया और हमारा ये राइट सिंबल हो गया. इसका मतलब है कि सब करेक्ट है. नाउ वी कैन क्लिक ऑन द प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम बटन. जैसे ही हम प्रोसीड फॉर द ऑनलाइन बटन को क्लिक करते हैं, हमारे पास ये विंडो खुल जाता है. यहाँ पर हमारे पास हमारा डिटेल रहता है और आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, हमारे पास एक फॉर्म 31 का ऑप्शन आ जाता है, PF एडवांस. हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे. जैसे ही हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, हमारे पास हमारा फिर से डिटेल आ जाता है. हमको PF एडवांस फॉर्म भरना है और हमारा ये जो डिटेल है इसमें बोल रहा है कि हमको अपना सर्विस सेलेक्ट करना है, दूसरी बात हमको पर्पस सेलेक्ट करना है, तीसरा हमको अपने जितने पैसे अपने को हमको एडवांस चाहिए वो यहाँ पर फिल आउट करना है. सो फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द सर्विस. सो हियर द ड्रॉप डाउन मेनू विल कम, द ऑप्शन विल कम, देन वी हैव टू सेलेक्ट द पर्पस ऑफ एडवांस रिक्वायरमेंट एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट द अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायरमेंट हियर. And after that, we'll put our address, employee address. So what is my address that I'll fill up here? So I'll fill one by one, all those things. So मैंने काफ़ी सारा information यहाँ पर fill up कर लिया already. फिर हमको employee address यहाँ पर fill up करना है. Employee address fill up करने के बाद हमको हमारे bank का जो checkbook है उसका JPEG फॉर्मेट पे हमारा जो चेकबुक है उसका फोटो लेके, कैंसल चेक का फोटो लेके यहाँ पर हमको अपलोड करना होता है. सो ये सब ऑप्शन है यहाँ पर. सो हम एक एक करके इसको फिलअप करते हैं. पहले हम एड्रेस डालेंगे, उसके बाद हम चूज करेंगे अपना चेक का इमेज. हमने हमारा एड्रेस भी डाल लिया. अब हम जाएंगे फाइल चूज करने के लिए. तो फाइल चूज करने के लिए आपका फाइल आपके इस कंप्यूटर में होना चाहिए. सो विल क्लिक ऑन टू द चूज फाइल. हमने उस फाइल को चूज कर लिया है. ये फाइल का नाम है. हम चाहे तो इसको व्यू कर सकते हैं. अगर आप व्यू करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं. इसके बाद हमें यहाँ पर जो रेडियो है उसको क्लिक करना है. इसमें लिखा हुआ है, I hereby consent to provide my Aadhaar number, biometric, one-time OTP data and Aadhaar data authentication for the purpose of establish my identity. So यहाँ पर identity आपका प्रूफ करने के लिए आपको एक आधार से OTP मिलेगा, जिस OTP को आपको फिलअप करना है. सो जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे, आधार से हमारा जो लिंक है मोबाइल नंबर, वहाँ पर OTP जनरेट हो जाएगा. OTP मैंने इसमें डाल लिया है. अब हम करेंगे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म. यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आ गया, OTP हैज बीन वेरीफाइड, द EKYC अपडेट एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन वेरीफाइड पोर्टल. Please click here to view the PDF.
आप इस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पीडीएफ होगा वो व्यू हो जाएगा आपको। सो इस तरह से आप जो है अपना विड्रॉल फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने क्लेम के स्टेटस को ट्रैक भी यहाँ से कर सकते हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब हम ट्रैक क्लेम स्टेटस करते हैं, आपका क्लेम का इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाता है, ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। सो ये है आपका करंट स्टेटस। आप चाहे तो पीडीएफ से इसको व्यू भी कर सकते हैं, जो आपने फॉर्म भरा है वो यहाँ पर आपको डाउनलोड भी हो जाएगा। सबमिटेड एट पोर्टल कुछ देर बाद यहाँ पर दिखाने लगेगा कि आपने कब सबमिट किया था और आपको ऑफिस में इस पर्टिकुलर फाइल को कब भेजा गया। सो व्हेन वी हैव सेंड दैट पर्टिकुलर फाइल टू द ऑफिस, सबमिटेड इन टू द पोर्टल, ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल कम जस्ट शोइंग दैट द ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड टू द पोर्टल हैज बीन डन। सो इन दिस वे यू कैन ट्रैक योर क्लेम, वॉट यू हैव डन फॉर द पार्शल विथड्रॉ यूजिंग ईपीएफ। ओके, थैंक यू।